लाहौर के हलका एन ए 117 से बड़ा ब्रेक थ्रू। नून लीग के साबिक एमएनए मलिक रियाज ने अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। सदर आईपीपी ने कहा, इस हलके से तीनों नशिस्तें जीती जाएंगी, जिसने मुल्क को तकसीम करने का बीज बोया वही काटेगा। इस हलके से ना सिर्फ ये कि मेरी सीट बल्कि हम तीनों सीटें जो है इंशाल्लाह अल्लाह के करम से उसके फजल से इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। मैं मलिक साहब को और उनके तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो नफरत का बीज बोया गया है, ये जो मुल्क को डिवाइड करने का बीज बोया गया है, यही वही काटा जा रहा है। इससे जो आप बीज बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप अखलाकी तौर पर देखें तो बल्ले का निशान वापस नहीं होना चाहिए। हम सब ने वो कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी, पूरी कौम ने देखी। कानून के मुताबिक जो फैसला था जायज था, कोर्ट फैसला कर रही है, ये सारा काम जो है ये कानून के मुताबिक हो रहा है। अवाम खिदमत का मौका दें, हल्के की तकदीर बदल देंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन का मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा जो मेरा साथ देता है उसे कभी नहीं छोड़ता। मुस्लिम लीग नून और आईपीपी वाले मिलकर काम करेंगे, लोगों की जिंदगियों में आसानियाँ लेकर आएंगे। मेरी सपोर्ट में खड़ा है जो मुझे वोट देगा, अगर आपने मुझे कामयाब किया मैं मुल्तान को कभी नहीं छोड़ूंगा। इस हलके को ऐसा हम बनाएंगे, चमकाएंगे, ऐसा चमकाएंगे इंशाल्लाह कि ये याद करेंगे लोग। मुल्तान की इस हलके की खुशखबरी ये है इंशाल्लाह कि इलेक्शन आप मुझे जितवाएंगे। मैं यहाँ काम 100 से नहीं, शुरू ही 500 से करूँगा इंशाल्लाह। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मिल के काम करें और इस हलके की किस्मत बदलें, इस हलके की शक्ल बदलें। लाहौर के हलका एन ए 117 से बड़ा ब्रेक थ्रू। नून लीग के साबिक एमएनए मलिक रियाज ने अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। सदर आईपीपी ने कहा, इस हलके से तीनों नशिस्तें जीती जाएंगी, जिसने मुल्क को तकसीम करने का बीज बोया वही काटेगा। इस हलके से ना सिर्फ ये कि मेरी सीट बल्कि हम तीनों सीटें जो है इंशाल्लाह अल्लाह के करम से उसके फजल से इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। मैं मलिक साहब को और उनके तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो नफरत का बीज बोया गया है, ये जो मुल्क को डिवाइड करने का बीज बोया गया है, यही वही काटा जा रहा है। इससे जो आप बीज बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप अखलाकी तौर पर देखें तो बल्ले का निशान वापस नहीं होना चाहिए। हम सब ने वो कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी, पूरी कौम ने देखी। कानून के मुताबिक जो फैसला था जायज था, कोर्ट फैसला कर रही है, ये सारा काम जो है ये कानून के मुताबिक हो रहा है। अवाम खिदमत का मौका दें, हल्के की तकदीर बदल देंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन का मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा जो मेरा साथ देता है उसे कभी नहीं छोड़ता। मुस्लिम लीग नून और आईपीपी वाले मिलकर काम करेंगे, लोगों की जिंदगियों में आसानियाँ लेकर आएंगे। मेरी सपोर्ट में खड़ा है जो मुझे वोट देगा, अगर आपने मुझे कामयाब किया मैं मुल्तान को कभी नहीं छोड़ूंगा। इस हलके को ऐसा हम बनाएंगे, चमकाएंगे, ऐसा चमकाएंगे इंशाल्लाह कि ये याद करेंगे लोग। मुल्तान की इस हलके की खुशखबरी ये है इंशाल्लाह कि इलेक्शन आप मुझे जितवाएंगे। मैं यहाँ काम 100 से नहीं, शुरू ही 500 से करूँगा इंशाल्लाह। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मिल के काम करें और इस हलके की किस्मत बदलें, इस हलके की शक्ल बदलें।